नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से मंच पर जिसका नाम है डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सूरज। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर की, एक नए अध्याय की जो आज शुरू करने वाले हैं। आपको पता होगा इससे प्रीवियस चैप्टर जो अपन ने ख़त्म किया है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, उसको ख़त्म किया है। आई होप कल वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने कल वाली क्लास को अभी तक विजिट नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर एंड उसको डीजे सर क्लासेस ऐप के अंदर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी और अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर, तो उसके लिए आप टेस्ट वन सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, आपकी तैयारी और मजबूत होगी और अच्छे से निखर के आएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज पढ़ने के हवाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं कोई एक नया चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग अपन ने स्टार्ट करी है। इसको स्टार्ट करे हुए 3-4 दिन हो गए अपने को और आज शुरू करने वाले हैं कोई नया अध्याय। आज का जो नाम रहने वाला है चैप्टर का, वो रहने वाला है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग का एक नया चैप्टर है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट उसी की तरह, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की तरह, वही इसके आंसर देने के 5 तरीके होते हैं। दोस्तों, एक कथन दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग अपने को 2 तर्क दिए जाएंगे। आर्ग्यूमेंट को हिंदी में तर्क बोला जाता है। 2 तर्क दिए जाएंगे, उस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए अपने को उनके तर्क निकालने हैं कि तर्क अपना पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा, या दोनों नहीं फॉलो करेंगे, या फिर पहला कर सकता है या दूसरा कर सकता है। चलिएगा बात करते हैं आगे। आगे क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं क्लास की शुरुआत करना चाहूँगा एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है अपना, वो रहेगा, भाग्य बदल जाता है दोस्तों जब आपके इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाता है जब आपके इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। उसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। क्लास की शुरुआत करने से पहले सभी टॉपिक का नाम डाल लेंगे। आज का जो चैप्टर रहने वाला है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है। इसको सीखने के लिए आपको वही 4-5 बातें पता होनी चाहिए कि कौन से वाले आर्ग्यूमेंट को अपन फॉलो करेंगे, कौन से वाले आर्ग्यूमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, यदि तर्क अपना किसी सार्वभौमिक सत्य से रिलेटेड हो या उसमें वैज्ञानिक तथ्य दिया गया हो तो वो तर्क अपना हमेशा मान्य होगा। सबसे पहले लिखेगा, यदि तर्क में सार्वभौमिक सत्य या वैज्ञानिक तथ्य हो या वैज्ञानिक तथ्य हो तो वह तर्क मान्य होता है, तो वह तर्क मान्य होता है। दूसरा लिखेगा, यदि तर्क में सलाह निवारण, यदि तर्क में सलाह निवारण आदि शब्द हो तो वह तर्क मान्य होता है। थर्ड पॉइंट है इसका, यदि तर्क में राजनीतिक
धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक या निर्देश हो तो वह तर्क मान्य होता है। कब तर्क आपको मान्य करना है, कब तर्क आपको अमान्य करना है, तो ये तीनों जो पॉइंट है, यदि तर्क अपना यूनिवर्सल ट्रूथ से हो या साइंटिफिक उसमें कुछ बात कही गई हो या वैज्ञानिक सलाह हो या वैज्ञानिक तथ्य हो तो वो तर्क मान्य होगा। यदि तर्क में सलाह, निवारण आदि शब्द आपको दे दिए जाए या निर्देश से रिलेटेड कुछ हो सलाह संबंधित तो वो तर्क भी मान्य होगा। तीसरा, यदि तर्क में राजनीतिक, धार्मिक या निर्देश से रिलेटेड कुछ बात कही गई हो तो वो तर्क भी अपना क्या होता है साथियों, मान्य होता है। उसके बाद फोर पॉइंट लिखेगा इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट है, यदि तर्क में केवल एकमात्र सिर्फ आदि शब्द आ जाए तो वह तर्क मान्य नहीं होता है। क्या करेंगे तो वह तर्क अपना क्या होता है, मान्य नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें एक दो पॉइंट वो रहे। चार पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आपको कौन सा तर्क मानना है, कौन सा तर्क नहीं मानना है। आगे देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट है, तर्क यदि तुलनात्मक हो तो वह तर्क मान्य नहीं होता है। अगर आपसे मान ले आपका स्टेटमेंट ऐसा है और आपको कंपैरिजन करना पड़ जाए तो वह हमेशा मान्य नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट है, तर्क में यदि नकल करने की बात कही गई हो तो वह तर्क अमान्य होता है। उसके बाद देखिएगा, ऐसे तर्क जिनके दो अर्थ हों वह तर्क अमान्य होता है। तो दोस्तों आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, कथन एवं तर्क से रिगार्डिंग, कथन और तर्क से लेकर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रखना है, लर्न रखना है, हमेशा अपने माइंड में होने चाहिए ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स की बदौलत ही आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइएगा इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को
क्या देश में कथन है अपना? क्या देश में पुलिस थानों के सभी प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर देना चाहिए? ये आपका कथन है। अब इस पर तर्क अपने को करने हैं। चलो, पहला तर्क है इसका, तर्क नंबर पहला है नहीं। पहला आप तर्क दे रहे हैं हां नहीं में, नहीं इस से प्रशासनिक, नहीं इससे प्रशासनिक संकट पैदा हो सकता है। पहला है आपका तर्क, नहीं इससे प्रशासनिक संकट पैदा हो सकता है। दूसरा तर्क है हाँ, दूसरा है हाँ, पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच, हाँ पुलिस अधिकारियों हाँ पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों और समाज विरोधी तत्वों के बीच, हाँ पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच संबंध को तोड़ने का, तो के बीच संबंध को तोड़ने का यही एक मात्र तरीका है। चलिए आइएगा दोस्तों, ये अपना प्रश्न है, ये अपना तर्क कथन है, और इस कथन के रिगार्डिंग आपको 2 तर्क दिए गए हैं साथियों। आइएगा इनको देखते हैं। पहला, सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कथन कहा गया है, क्या देश में पुलिस थानों के सभी प्रभारियों को प्रत्येक वर्ष में स्थानांतरित कर देना चाहिए? ऐसा कथन अपने से बोला गया है, ऐसा प्रश्न अपने से किया गया है। तो पहला तर्क है नहीं, इससे प्रशासनिक संकट पैदा हो सकता है। ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को, इससे प्रशासनिक संकट पैदा होना चाहिए। चलो एक बात बताइए, आप कर रहे हैं उसका ट्रांसफर, इससे प्रशासनिक संकट कैसे पैदा होगा, उसकी जगह कोई नया आएगा? तो ये वाला तर्क आप दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये वाला तर्क तो आप नहीं दे सकते, तो ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखिए, हाँ पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच संबंध को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। साथियों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाए थे, उसमें सिर्फ एकमात्र केवल ऐसे कुछ शब्द आपको नजर आ जाए तो वो वाला तर्क आपको क्या करना है, फॉलो नहीं करना है। तो उसी प्रकार से दूसरे तर्क में एक शब्द आया है एकमात्र, तो ये भी क्या होगा, फॉलो आपका नहीं करेगा। तो ओवरऑल मिला के इस दिए गए कथन के दोनों ही तर्क आप नहीं दे सकते, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोनों फॉलो नहीं करेंगे, दोनों तर्क फॉलो नहीं करेंगे साथियों, यह आपका आंसर हो जाएगा।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलेगा साथियों, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है अपना, कथन है, क्या निजी बैंक को का तत्काल सार्वजनिक बैंकों में विलय कर देना चाहिए? यह आपका कथन है और इसके तर्क देखेगा। इसका जो पहला तर्क है, नहीं, निजी बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। क्या तर्क दिया गया है? क्या निजी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक बैंकों में विलय कर देना चाहिए? पहला है, नहीं, निजी बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। दूसरा तर्क है अपना, हां, इससे ग्राहकों का मेहनत से कमाया धन सुरक्षित हो जाएगा। हां, इससे ग्राहकों का मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित हो जाएगा। चलो आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं साथी। पहले तो सबसे पहले आप कथन को एक बार नहीं, दो बार पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन को, लॉजिकल रीजनिंग को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, सिलोजम हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन है, कोज एंड इफेक्ट है, ये भी अपन करेंगे धीरे धीरे, सब करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस दिए गए कथन को साथियों एक बार नहीं, दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आंसर निकल के आएगा। और जो आपको मैंने बताए गए जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा अपने माइंड में याद रखना होगा आपको, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या निजी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक बैंकों में विलय कर देना चाहिए? पहला कह रहा है, नहीं, निजी बैंक सिर्फ लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये वाला तर्क दिया जा सकता है आपके सामने, ये वाला तर्क आपके सामने दिया जा सकता है। तो पहला तर्क क्या होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, हाँ, इससे ग्राहकों का मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित हो जाएगा। तो क्या सार्वजनिक बैंकों में मेहनत से कमाने वाले जितने भी हैं, क्या उनका पैसा सुरक्षित नहीं होगा? क्या जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, क्या उनमें बैंक पब्लिक पैसा अपना डिपॉजिट नहीं करती है? क्या करती है ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। जरूरी थोड़ी है कि प्राइवेट बैंक में ही करे। ये सिर्फ आपको तर्क करना है, क्या ऐसा जो तर्क दिया है इसने, ये सही है क्या तर्क? नहीं, ये बिल्कुल गलत तर्क दिया है इसने। इसलिए आपका जो होगा पहला फॉलो करेगा, केवल फर्स्ट फॉलो, केवल फर्स्ट फॉलो। इसका आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट फॉलो होगा अपना। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के आंसर इजीली कर सकते हैं साथियों। चलते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन और बन सकते हैं।
इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डेली लाइफ से रूटीन जितने भी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं या धार्मिक, राजनीतिक या वैज्ञानिक, जितने भी साइंटिफिक जो मुद्दे हैं या जो क्वेश्चन हैं, वही इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। चलो आगे का कथन है। क्या स्कूल की अधिकांश परीक्षाओं के भाग को वस्तुनिष्ठ कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, यह आपसे कथन किया गया है। अब इसके तर्क देखिए साथियों। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है साथियों वैकल्पिक, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। इसके तर्क देखिए। इसका पहला तर्क है, नहीं इससे विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। यह पहला आर्गुमेंट दिया गया है। दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया गया है? दूसरा आर्गुमेंट है, हाँ किसी की, हाँ किसी की क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की, किसी की क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की एकमात्र पद्धति है। देखो आइएगा, प्रश्न को सोल्व करते हैं साथियों। प्रश्न दिया गया है आपके सामने, क्या स्कूल की अधिकांश परीक्षाओं के भाग को वस्तुनिष्ठ कर देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है साथियों वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव। क्या सभी स्कूलों में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी पेपर होते हैं, क्या उनको ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए? पहला जो आपको तर्क दिया गया है वो दिया गया है, नहीं इससे विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं हो पाता है। तो क्या ये तर्क आप मानेंगे या नहीं मानेंगे जो इसने तर्क दिया है? बिल्कुल ये वाला तर्क आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सिर्फ जो वैकल्पिक करने से उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं हो पाता है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप उसकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं हो पाता है? बिल्कुल हो पाता है बुद्धिमत्ता का परीक्षण। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको, क्या वो ऐसे ही कर लेता है क्या? उनको भी तो सोल्व करके करता होगा। तो ये वाला भी आप क्या करेंगे? फॉलो नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए, हाँ किसी की क्षमता और ज्ञान के निर्धारण की एकमात्र पद्धति है। तो क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरे की क्षमता और ज्ञान को पहचान सकते हैं? जी नहीं। तो ये भी अपना फॉलो नहीं होगा। और देखो एकमात्र और लगा हुआ है यहाँ। जब भी एकमात्र लगा हुआ जाए, केवल सिर्फ ऐसे शब्द आपके लिखे हुए आ जाए तर्क में, तो उस तर्क को आप नहीं मानेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला देखिए, कतन है अपना, क्या प्लास्टिक के बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? और इसके तर्क हैं, तर्क नंबर पहला साथियों, नहीं, नहीं, इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है, हाँ, प्लास्टिक बैग के उपयोग से जल प्रदूषण हाँ प्लास्टिक के उपयोग से जल प्रदूषण अथवा जल भराव की ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। पहला है नहीं, नहीं इससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। दूसरा है, हाँ, प्लास्टिक बैग के उपयोग से जल प्रदूषण अथवा जल भराव की ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। ये दो आपको तर्क दिए गए हैं, इन दोनों तर्क की हेल्प से आपको अपना आंसर चेक करना है साथियों। चलो आंसर चेक करते हैं। पहला है, क्या प्लास्टिक के बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये बोल रहा है नहीं लगाना चाहिए, इसे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये वाला तर्क तो इसने बिल्कुल ही गलत बोल दिया, तो ये तो फॉलो होने से रहा नहीं। दूसरा वाला देखिए, हाँ प्लास्टिक के बैग के उपयोग से जल प्रदूषण अथवा भराव की ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा अपना आंसर, केवल सेकेंड फॉलो, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम के अंदर अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उनको आप इजीली बना पाएंगे साथियों। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, प्लीज़ वो टेस्ट वन सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ से उनको पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का मौका मिल रहा है। तो ये मौका प्लीज़ हाथ से न जाने दीजिए, आप टेस्ट वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। लॉजिकल रीजनिंग का रहने वाला है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।